सभी को जय मसीह की, कलिसिया को जय मसीह और पास्टर की फैमिली को भी जय मसीह की। पिछले संडे मैं दिल्ली से आई थी। मैं हॉस्पिटल से 2 दिन पहले ही आई थी। पूरा मेरा चेस्ट में दर्द था, 3 बार अटैक आ चुका था मुझे, और इस जगह में आई और प्रभु ने मुझे चंगाई प्रदान किया। इसके लिए प्रभु मसीह को धन्यवाद करती हूँ। दूसरी गवाही है मेरी, मुझे 30 दिसंबर 2019 को दुष्ट आत्मा की अटैक आई थी, उसी की वजह से मेरे शरीर में पूरा दर्द था। 22 लोग मुझे पीछे पड़े हुए थे, लेकिन उस दिन पिछले संडे उस दुष्ट आत्माओं से मुझे इस चर्च में, चमत्कार चर्च में मुझे छुटकारा मिला। रात को मैं गाना वाना गाती थी, रात को नींद नहीं आती थी। शैतान बोलता था मुझे कि तुम मर जाएगी, लेकिन पास्टर जी का एक दिन मैं यूट्यूब पे सुनी थी बहुत पहले कि जब तुम्हें बीमारी होगी तो हाय हाय नहीं करना है, यीशु करना है। वो मुझे बात याद आई, बहुत पहले मैंने यूट्यूब में सुना था, शैतान हट जा मैं नहीं मरूँगी और मुझे जिलाने वाला प्रभु परमेश्वर है, मैं यही बोलती थी। मैं प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और उसने मुझे दुष्टात्मा से बचाया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। तो आपको आपको 3 बार अटैक आया, किस चीज का अटैक आया? हार्ट का अटैक आया था। अच्छा, 3 बार अटैक आ गया। हाँ जी हाँ जी। तो जब यहाँ आए थे तो हॉस्पिटल से 2 दिन पहले छुट्टी हुई थी? हाँ जी, बृहस्पतिवार को आई थी, शनिवार को मैं यहाँ दिल्ली से चल पड़ी थी, शनिवार को 11 बजे, फिर संडे को यहाँ अटेंड किया मैंने। तो देखिएगा, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह ने अपना हाथ बढ़ाया और इस बहन को चंगाई दी। कितनी दुष्टात्मा कह रहे हैं? 22 दुष्टात्मा थी मेरे, 22 दुष्टात्मा थी। हाँ जी। तो क्या कहती थी? तुम अब नहीं बचेगी, मर जाएगी। तू नहीं बचेगी, मर जाएगी। तो 22 दुष्टात्मा थी और वो कहती थी तुम नहीं बचोगी, तू मर जाएगी, तू नहीं बचेगी, तू मर जाएगी। और 3 बार हार्ट में अटैक भी आया। हाँ जी। और फिर चर्च में आए और किसने चंगा किया? यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया। हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? इन्हें चंगा किया। परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। पहले संडे जब दिल्ली से आए थे, परमेश्वर मसीह ने इन्हें चंगा कर दिया, उस दिन से आप ठीक हो? हाँ जी, बिल्कुल ठीक हूँ मैं, पूरा चेस्ट में तो ठीक है, पूरा दर्द ठीक है। हाँ जी। ओके, परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आपका नाम क्या है? मैरी। मैरी, आपने मेरे लिए प्रार्थना किया था, जब प्रार्थना कर रहे थे तो मैरी कुपर से दुष्ट आत्मा जा रही, आप जोर से आवाज आ रही थी मुझे, और उस समय लेकिन आत्मा बंद गया था मेरा, खुल नहीं रही थी। आप भयानक जोर से बोलने लगे मेरी की आत्मा से दुष्ट आत्मा जा रही, तब मेरे पर पावर आई, तो फिर पुत्र आत्मा का शक्ति आया। पहले संडे में कह रहा था मेरी पे दुष्ट आत्मा जो प्रभाव खत्म हो रहा है, दुष्ट आत्मा निकल रही है। हाँ जी, बोल रहे थे आप। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगा किया। हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। पापा जी ने जय मसीह दी, मेरे प्रभु ने जय मसीह दी। मेरी गवाही यह है कि मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती हूँ सी, तो मैं हूँ ठीक हो गई। इस चर्च जाके बहुत बहुत धन्यवाद कर दी। बाकी मेरी गवाही मेरे पापा जी आप ही देंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि 15 साल से दुष्ट आत्मा का अटैक था। 15 साल से दुष्ट आत्मा था। हाँ जी। तो फिर ये सियाने के पास, तांत्रिकों के पास जाते रहे? हाँ जी, बहुत था। कमलों के पास भी? हाँ जी। सियाने भी और कमले भी। तो फिर तांत्रिक क्या कहते थे? तांत्रिक कहते सी, कदे कहते सी दुष्ट आत्मा, कदे कहते सी थोड़े च पीर बाबा, कदे कुछ कहते सी, कदे कुछ। ओके, तो लिखा है हाथ में सिर में दर्द रहता था, हड्डियों में दर्द रहता था, जड़ के अंदर जख्म था। हाँ जी, सारे मेनू जाने की शरीर को रोग सारे सीगे, एक एक अंग च रोग सीगा मेरे। अच्छा, शरीर के पूरे एक एक अंग में रोग था। हाँ जी, मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती थी, कदे कुछ दुखन लग जाता, कदे कुछ, तो मैं जिंदगी तो आधी चाहे दुखी हो चुकी सी कि मैं मारी जाऊँ बस। आपके मन में जाता था भी शायद मैं मारी जाऊँ? हाँ जी, है ना, आत्महत्या कर लूँ, क्या फायदा जीने का। हाँ जी। तो किसने चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद कर दी मेरे पिता परमेश्वर का, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आपको पवित्र आत्मा भी मिला? हाँ जी, पवित्र आत्मा मिला सी मेनू, घरे मिला सी मेरे पापा जी, ते मैं बहुत पवित्र आत्मा च भर गई सी, ते मेनू करंट एकदम मैं तारू चढ़ गए सब कुछ, ते मैं पवित्र आत्मा च भाषा बोलन लग गई सी, ते मेनू भाषा आउन लग गई सी। किस दिन दी गल है?
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਟੈਕ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਲ ਚ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਡੂੰਗਰਗੜ੍ਹ ਸੇ ਆਈ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਪਿਛਲੇ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਕੋ ਬੋਲੀ ਬੰਦੂ ਕੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਖਾਇਆ ਨਾ ਵੀ ਬੋਲੀ ਔਰ ਚਰਚ ਮਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੀ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬੰਦੂ ਕੀ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜੋ ਕੋ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਭੀ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਆਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੋ ਮਾਰੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਸ ਦੀਆਂ ਕਰੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਬੋਲ ਤੋ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਬੋਲੀ ਜੀ ਮਾਰੂੰ धन्यवाद आपके साथ कौन आया है इनके साथ कौन आया है और इनके साथ भी आया है डूंगरगढ़ से दौड़ के आइएगा तो आप आए थे इनके साथ उस दिन आए थे पिछले एतवार को आए थे है ना पिछले एतवार को आए थे और उस दिन आप तो मतलब प्रार्थना खत्म होगी उस समय आए थे ना तो क्या क्या था जैसे ये कह रही है बोलती बंद हो गई थी मुंह से आवाज नहीं आ रही थी कैसे क्या सा था बोली बंद तीन दिन से बोली बंद हो गई तीन दिन हाँ तीन दिन खाना पीना कुछ नहीं अच्छा नहीं तीन दिन से मतलब मुंह से कोई आवाज नहीं निकल कोई आवाज नहीं करी तीन दिन बोल बोली सुतरण दिन और रात तो मतलब जब ये उठती थी होश आती थी तो भी नहीं बोलती थी नहीं बोलती अच्छा बस आठ संडे रो भाई सत्संग तो हो गई लेट हो गया प्रार्थना कराई एकदम सही हो गई ओके तो ये मुझे याद है ये आए थे एतवार को संडे को जब प्रार्थना समाप्त हो चुकी थी उसके बाद आए लेट हो गए डूंगरगढ़ से डूंगरगढ़ तो कितनी किलोमीटर है यहाँ से डूंगरगढ़ पड़ा है दो शहर 60 किलोमीटर है ओके तो वहां से ये आए तीन दिन तक ना तो ये बोल आवाज नहीं निकलती थी यानी कि उसको होश थी जब मैंने इससे बात की तो इसे होश थी इसे मैं पूछ रहा था तेरा नाम संतोष है क्या नाम तेरा नाम संतोष है तो ये कहती ऐसे कहती हाँ मैं कह रहा था आवाज नहीं निकल रही तेरी कहती हाँ आवाज नहीं निकल रही मतलब तो आवाज नहीं निकली बोलती बंद हो गई थी यानी कि तीन दिन तक आवाज अगर डॉक्टरों के पास जाते क्या करते वो चीर करते ऑपरेशन करते कितना कुछ कितना बेचारे गरीब लोग कितना परेशान होते लेकिन किसने चंगा किया चर्च ने प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु यीशु मसीह ने एक बार पहले आई मुनिराम जी थे हमारे गुरु जी है सुखनाराम जी गंगानगर का हमारा गुरु जी बेले रायाठ सो प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दें प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं सब लोग